उज्जैन मांझी आदिवासी समाज ने अपनी समस्या को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उज्जैन मांझी आदिवासी पंचायत समाज द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने मांग की कि उनकी उज्जैन में उज्जैन मांझी आदि समाज पंचायत नाम से एक धर्मशाला है, जिस धर्मशाला में कुछ असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर लिया है। समाजजनों का कहना है कि धर्मशाला में उन्हें कुछ समय के लिए गतिविधियां चलाने के उद्देश्य से दुकान किराए पर दी थी, जहां पर असामाजिक तत्वों द्वारा आए दिन महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की जाती है। जब इसका समाजजन विरोध करते हैं तो वे मारपीट विवाद पर उतारू हो जाते हैं। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर आज समाजजनों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा और मदद की गुहार लगाते हुए इन असामाजिक तत्वों से कब्जा की गई दुकान खाली कराने और गुंडों पर लगाम कसने की मांग की है। आज उज्जैन मांझी आदिवासी पंचायत समाज के तत्वाधान में माननीय श्री कलेक्टर महोदय जी के नाम से ज्ञापन दिया गया है, जो उज्जैन मांझी आदिवासी पंचायत समाज की धर्मशाला है उसको सामाजिक गतिविधि चलाने के लिए कुछ सामाजिक लोगों को कुछ लोग किराए से दी थी सामाजिक गतिविधि चलाने के लिए, लेकिन कुछ असामाजिक लोगों द्वारा कब्जा किया जाया है, जिसके अंदर हमारी बहन बेटी को छेड़खानी और दुकान खाली करने का बोलते हैं तो लड़ाई झगड़ा किया जाता है। मैं उज्जैन मांझी आदिवासी पंचायत समाज की तरफ से संपूर्ण माननीय कलेक्टर मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी ये दुकान खाली करवा जाए, जिससे शहर की फिजा ना बिगड़े और शहर में शांति चैन अमन बना रहे। जय हिंद जय भारत। आपका नाम? मैं मांझी आदिवासी पंचायत समाज अध्यक्ष राकेश शर्मा